जैन सर, 3 अधिकारी, 14 इंस्ट्रक्टर्स, 101 ट्रेनीज, पीटी परेड पर हाजिर श्रीमान। सशस्त्र सीमा बल को गृह मंत्रालय के अधीन भारत नेपाल 1751 किलोमीटर व भारत भूटान 699 किलोमीटर खुली व निर्गत सीमा पर सीमा सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। सीमा सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में कुशल प्रशिक्षण पाए सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। देशभक्ति की भावना लिए जब एक युवा राष्ट्र सेवा को समर्पित हो पूर्ण सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में पहला कदम रखता है, उसी क्षण से शुभारंभ होता है एक तपस्या का, देश सेवा की असीम श्रद्धा का, और सफर शुरू होता है उस अनमोल क्षण का जब एक नवयुवक प्रशिक्षण पूरा कर प्रशिक्षु से एक कर्तव्य परायण सैनिक की भूमिका ग्रहण करता है। लेकिन इससे पहले चुनौती शुरू होती है प्रशिक्षु जीवन की। यही वह समय है जो एक आम व्यक्ति को सैनिक जीवन के प्रति समर्पित करता है। एक जवान प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाता है वो युद्ध क्षेत्र में उतना ही खून बचाता है। फौज में ड्रिल का बड़ा महत्व। प्रशिक्षण के पहले दिन से ही कुशल ड्रिल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं के मध्य अनुशासन और एकता की भावना पैदा करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। सशस्त्र बलों की कार्य कुशलता उसके जवानों के प्रशिक्षण व हथियारों के युद्ध कौशल ज्ञान पर निर्भर करती है। विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में लड़ते हुए एक जवान को न केवल हथियार को दुरुस्ती से फायर करना बल्कि उसे हथियार के कार्य सिद्धांत से लेकर उसकी क्षमता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का भी अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक। मुख्य परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने के बाद प्रशिक्षुओं के चेहरे पर उत्साह व संतुष्टि की मनमोहक छवि देखने को मिलती है। दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षण की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षु कड़ी मेहनत और लगन का परिचय देते हुए समर्पित भाव से अनुभवी उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन व कार्य कुशल प्रशिक्षकों के सानिध्य में उच्च दर्जे की परेड प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होते हैं। अंततः उस परम पावन दिन का स्वर्णिम आगमन होता है जब एक प्रशिक्षु राष्ट्र के संविधान, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की घोतक राष्ट्र ध्वज, महान तिरंगे के समक्ष राष्ट्र सुरक्षा के प्रति स्वयं को समर्पित कर एक सामान्य व्यक्ति से देश के सैनिक बनने का गौरव प्राप्त करता है।